मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले हम कह देते हैं कि मेरा नाम है सपना और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो आज का ये ब्लॉग मेरा फर्स्ट हिंदी ब्लॉग है, तो आज से मैं हिंदी ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। ऐसे तो मैं कलकत्ता की हूँ, मैं बंगाली हूँ, तो आज से मैं हिंदी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। और अभी बज रहे सुबह के 7:30। सुबह मैं नहा ली हूँ, नहा के आ गई हूँ किचन में सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मैं सुबह उठ गई हूँ आज नहीं, इस गर्मी स्टार्ट होने से, मतलब जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तब से जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को दुकान जाना होता है। तो सुबह गर्मी के टाइम में ना सुबह दुकानें जो है खुल जाती हैं, तो इसीलिए जल्दी उठना पड़ता है सुबह के टाइम। और अभी तो जो मेरा बेटा है छोटा सा, उसका भी अभी स्कूल एडमिशन नहीं हुआ है। जब स्कूल एडमिशन हो जाएगा तब तो मुझे और भी सुबह उठना पड़ेगा, सुबह उठ के सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आज सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे बर्गर, इसलिए देखो ये वाला पाव ले लिया है, लेकिन मुझे वो वाला जो बर्गर बनाते वो वाला बड़ा वाला पाव नहीं मिला, तो ये मिल गया तो यही ले लिया। और सोच रही थी कि चलो ये नहीं सही लग रहा है तो हम वो ले लेंगे ब्रेड, तो ब्रेड भी नहीं मिला। जो अंकल जी आते हैं घर के आगे ब्रेड बेचने के लिए, उनके पास वो वाला ब्रेड आज आई नहीं, तो हम यही ब्रेड ले ली। तो इससे यहाँ से हम बनाएंगे बर्गर, और बर्गर में हम अंडा के जो ऑमलेट है वो स्लाइस करके इसमें डालेंगे। और यहाँ पे प्याज और खीरा काट के रख दिया है, और ऑमलेट मतलब ऑमलेट का ऐसे दो हिस्सों में स्लाइस करके हमने काट ली हूँ। और यहाँ पे ब्रेड के ऊपर हमने लगा दिया है लहसुन और टमाटर की जो चटनी होती है, जो मोमोज के साथ मिलता है ना बाज़ार में, वही वाला। कल शाम को मोमोज लेके आए थे बाज़ार से, वही वाला चटनी रखी हुई थी फ्रीज में। तो जब भी बाहर से मोमोज लाते हैं ना, वो चटनी हम रख देते हैं फ्रीज में, रोटी के साथ वो चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो वही चटनी हमने ब्रेड पे लगा दी है। फिर उसके ऊपर ऑमलेट का स्लाइस, खीरा, प्याज और थोड़ी सी काला नमक डाल के बस हमारा जो है बर्गर तैयार, बिल्कुल सिंपल बर्गर। और इसमें मैंने टमाटर इसीलिए नहीं डाला क्योंकि हम टमाटर नहीं खाते, और आप चाहे तो मिर्च डाल सकते हैं तीखा के लिए, लेकिन जो है बाबू भी खाएगा इसमें से, तो इसलिए हमने नहीं डाला। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 8:30, और बाबू के यहाँ पे नाश्ता दे दिया है, और हस्बैंड आए थे वो चाय पी के नाश्ता करके चले गए दुकान। और यहाँ पे देखो उनके पापा आते ही जो अपने पापा से फ़ोन लेकर कार्टून देखने लगा है, और कार्टून देखते देखते अपना नाश्ता ख़त्म कर रहा है। तो हमने सोची हम खुद इसे खिला देंगे, लेकिन जो है कह रहा है कि मम्मी हम तुम मत खिलाओ, हम अपने आप से खाएंगे, तो अपने आप खा रहा है और कार्टून दिख रहा है। तो हमने सोची जब तक ये खाना ख़त्म कर, मतलब नाश्ता ख़त्म करता है, तब तक हम जाते हैं किचन का जो सामान है इधर उधर फैला पड़ा है, क्योंकि जो है सुबह उठ के मैं एक बार किचन साफ़ करती हूँ, रात को भी किचन साफ़ करके फिर मैं सोती हूँ, लेकिन सुबह उठ के जो है पोछा लगाना होता है, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन जो है नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा सा सामान इधर उधर फैल ही जाता है, तो वो साफ़ करना है, फिर बाबू को पढ़ाना भी है, तब तक जो नाश्ता ख़त्म कर लें। और सुबह हमने भी नाश्ता कर लिया है, बर्गर बनाया था सुबह, बर्गर बोलो सैंडविच बोलो जो भी बोल, कुछ भी बोल सकते हो, बर्गर भी बोल सकते हो, सैंडविच भी बोल सकते हो। तो हमने भी नाश्ता कर लिया है, और सुबह मैं नहा भी ली हूँ। बर्गर के अंदर अंडा भी था, और मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है यहाँ पे। मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ, जब मैं बैंगन खा रही हूँ, भिंडी खा रही हूँ, अंडे से बनाए कोई सब्ज़ी खा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है यहाँ पे। तो पूरा निशान पड़ गया है मुँह के, यहाँ पर निशान हो गया काला काला सा, कैमरे में तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है ये सब चीज़ें। मुझे लगता है अभी मुझे ये खाना बंद करना है अभी। क्या बाबू, अरे जब भी कार्टून बंद हो रहा है ना तब भी मम्मी की याद आ जाती है, तो वो ही बात है, अब मुझे ये चीज़ खाना बंद करनी है, नहीं तो ये जो है इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई दवाई भी नहीं है। दवाई है एलर्जी का जो दवाई है, लेकिन मैं ज़्यादा दवाई लेती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है दवाई लेना, तो जब भी मैं दवाई लेती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है गले में अटक गया, इसलिए मैं बहुत कम लेती हूँ दवाई। तो चलो चलते हैं, बात बाद में करेंगे, पहले जो है किचन साफ़ करके आते हैं, और तब तक बाबू जो है नाश्ता ख़त्म कर लेते हैं, चलो चलते हैं। क्या बाबू, चलो नाश्ता ख़त्म करो जल्दी। और किचन का हाल दिखाते हैं, इधर तो पूरा साफ़ है जो है, इधर देखो तेल का डिब्बा, कटोरी सब यहाँ पे फैला पड़ा है, तो जो है ये सब सामान समेटने हैं। तो चलिए देखते रहिए, और आज का पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए देखते रहिए।
पूरे पूरे दिन में मेरा जो है ये जो टाइम है सुबह के टाइम, सुबह के ऐसे ही 8:30 से 9 बजे या तो 9:30 से 9:30 बजे तक ये जो टाइम है, और शाम को ऐसे ही 7:30 से 7:30 बजे जो टाइम है बाबू को लेके हम बैठते हैं उसे पढ़ाने के लिए, ये टाइम इस टाइम पे हम दोनों बिल्कुल लड़ाई करते हैं। और बाबू ऐसा है कि उसे पढ़ना नहीं है, हम है कि जिद पे अड़े रहते हैं मुझे पढ़ाना है, तुम पढ़ो। कोशिश करते हो खेल खेल में पढ़ाने के लिए, गोदी में बिठा के आराम से पढ़ाने के लिए, लेकिन वो भी तो बिल्कुल जिद पे अड़ा रहता है, उसे पढ़ना ही नहीं है। फिर भी ना मैं कोशिश करती हूँ, जब भी मैं वो मेरे साथ होता है, मैं कोई घर का काम कर रही हूँ मेरे साथ, वो भी शैतानी कर रहा है, तब भी मैं कोशिश करती हूँ उसे पढ़ाने के लिए, ए बी से लेकर सब कुछ टोटल। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खेल खेल में ही सही, कभी कभार जैसे हम कोई काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से, मतलब अपने खिलौने से खेल रहा है, तब भी वो अपने मनी मन ने कि तेज़ी बोलता रहता है, ए बी 1 2 मतलब बोलता है, तो ये चीज़ें अच्छा लगता है। बच्चों को डांट के नहीं, आराम से खेल खेल में पढ़ाओ तो बच्चों को जो है याद रह ही जाता है, बच्चे भूलते नहीं हैं, चाहे एक बार के जगह 100-100 बार उसे समझाओ, लेकिन बच्चे के दिमाग जो है वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो यही बात है। तो देखो बाबू को वहाँ पे पढ़ाया थोड़ी देर के लिए बिठा के, फिर यहाँ पे मैं आ गई रसोई में, किचन में। तो किचन का जो मेरा जो सामान है महीने का जो सामान है किचन का, तो वो तो आ ही गया था, लेकिन कुछ सामान जो है वो भूल गए थे मेरे हस्बैंड लाने के लिए, तो आज ले आए तेल दाल नमक सब कुछ मेथी वगैरह। अब जो है गर्मी के टाइम में जो बाज़ार में कद्दू मिलता है ना, कद्दू में अगर मेथी ना डालो कद्दू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए हमने मेथी मंगवाई कि मेथी ले आओ, कद्दू के सब्ज़ी में मेथी बिना कद्दू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ दोपहर का लंच बनाने, और दोपहर के लंच में आज बनेगी, ये देखो समझ रही हो ना क्या है, ये है लौकी, लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे। और हमारे कलकत्ता में लौकी के साथ बनाया जाता है प्रॉन लौकी बनाया जाता है, वो खाने में बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ पर मिलता नहीं है। और यहाँ पे अगर हम सब्ज़ी के साथ कोई फिश बनाएंगे ना, कोई अगर देख लेना वो कहेगा क्या बना रही है ये, मतलब सब्ज़ी के साथ फिश, लेकिन वो है एक बार खा के देखना, प्रॉन के साथ लौकी बहुत बढ़िया लगता है। तो चलो कभी भी घर जाएंगे तो आप सबको दिखाएंगे लौकी के साथ प्रॉन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे तो खैर मिलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके सूखे लाल मिर्च और थोड़ा सा कलौंजी मेथी अच्छे से तेल में भूंज के उसके ऊपर हमने डाल दिया था यहाँ पे लौकी, बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस करके हमने काटे हैं लौकी। लौकी के अंदर नमक हल्दी और जो है हरी मिर्च बीच में से चीर के वो डाल दिया था, और ढक के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फ्लेम लो करके ढक के मैंने पकाई, इसमें मैंने पानी नहीं डाली। और कद्दू जो है लौकी जो अच्छे से पक गया है, और ऐसे जो है एक करछी से ऐसे हम चला रहे हैं ताकि जो अच्छे से गल भी जाए और खाने में भी मज़ा आए। उसके अंदर हमने डाल दिए धनिया पत्ता। लौकी की सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है, और लौकी की सब्ज़ी ज़्यादातर मुझे सूखी अच्छी लगती है, और ये लौकी है जो लंबी वाली लौकी होती है वही लौकी, और गोल वाली जो लौकी होती है ना उसका जो रसा है बहुत अच्छी लगती है, और लंबी वाली लौकी की जो सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर कढ़ाई को फिर से गर्म करके तेल डाल दिया, उसमें डाल दिया मैंने जीरा भूनने के बाद उसमें मैंने डाल दिया प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन जो है हल्का लाल लाल करके भूनेंगे। और आप सोच रही होगी हम क्या क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं आज चिकन। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तेल में प्याज डाल दिया, और प्याज को अच्छे से लाल लाल करके फ्राई कर लेंगे। देखो प्याज जो है हल्का सा देखो ब्राउन होने लगा है, प्याज जो है ना जल्दी, मतलब एक बार ब्राउन होना शुरू होता है ना जल्दी बिल्कुल काला हो जाता है। प्याज फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया था प्याज अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। चिकन जो है हम दो तरीके से बनाते हैं, दो तीन तरीके से हम बनाते हैं सिंपल चिकन करी। एक तो ये मसाला भून के फिर बनाओ, या आप पहले से मैरिनेट करके रख दो चिकन को, या फिर चिकन भूंजो तेल में फिर मसाले से बनाओ, फिर जब दोबारा बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पे जो है मसालों में हम थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला जो है जल ना जाए और मसाला अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मसाला हम पकने की इंतज़ार करते हैं, और ऐसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जैसे क्योंकि जो मसाला है वो नीचे से जल ना जाए। और देखो मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है, और तेल जो है देखो साइड से जो निकल रहा है तेल, और लाल लाल सा हो गया है मसाला जो है बिल्कुल लाल। और यहाँ पे मैंने
आलू और चिकन इसमें डाल रही हूँ। और चिकन में जो है हम आलू डालते हैं, चिकन मैंने चिकन में आलू बिना अच्छा नहीं लगता है। चिकन हमें तो चिकन बनाओ चाहे बिरयानी बनाओ, चिकन का कोई आइटम बनाओ, चिकन का मटन का, उसमें हम आलू चाहिए डालते ही हैं और उसमें आलू हमें चाहिए ही चाहिए। पता नहीं क्यों बंगाली लोग आलू के साथ जो है कनेक्शन बहुत कुछ ज़्यादा ही है, और बंगाली का जो आलू के साथ कनेक्शन है बहुत दूर तक है। तो यही है, और देखो मसालों के साथ अच्छे से मिला के ढक के थोड़ी देर हम इसे पका लेंगे और बीच बीच में जो है ऐसे चलाते रहेंगे। और देखो चिकन से जो है पानी रिड्यूस हो चुका है, और इसी पानी में हम जो है चिकन को अच्छे से भूंजेंगे। ऐसे ही ढक देंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन उठा के ऐसे चलाते रहेंगे और चिकन को अच्छे से पकाएंगे। तो देखो चिकन को हम अच्छे से पका लिया है, चिकन के जो पानी रिड्यूस हुआ था ना उसी पानी में चिकन को हम अच्छे से पकाया है, बिल्कुल लाल लाल सा हो गया है। इसमें हम डालेंगे पानी, पानी हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि आज हम बिल्कुल सूखी भी नहीं बनाएंगे और बिल्कुल रसा भी नहीं बनाएंगे, मीडियम रखेंगे आज। अब थोड़ी देर के लिए ढक के चिकन को हम पका लेंगे। अभी जो है हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। चिकन मटन कटहल की सब्ज़ी में मसाला पीस के फिर उसमें डालो ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है और चिकन का स्वाद बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें मैंने मसाला डाल दिया है, अब हम गैस जो है बंद कर देंगे और हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम बाबू को खाना खिलाएंगे, वो पीछे पीछे घूम रहा है, मम्मी मुझे चिकन खाना है, तो बाबू को खिलाएंगे, फिर हम और मेरे लंच कर देंगे। सोके उठने के बाद हमने और एक बार खिला दिया है, तो खाने पीने के बाद ऐसे खेल रहा है बाबू। और बाबू जब तक सो रहा था तब तक हम बैठ के एक सूट सिल रहे थे। तो मुझे ना काम करने का एक ये मौका मिलता है दोपहर के टाइम, जब बाबू सो जाता है तब हम सिलाई करते हैं, नहीं तो ना बाबू जब जगता रहता है ना तब सिलाई करने बैठो ये हाथ में ले जाता है, वो हाथ में ले जाता है और ख़राब कर देता है चीज़ें। तो इसीलिए जब बाबू सोता है तब मेरा मन होता है कि हम भी सो जाए थोड़ी देर के लिए, हम भी सो जाए, लेकिन जो है ना फिर सोचते हैं कि जब तक सोएंगे तब तक बैठ के थोड़ी बहुत काम कर लेंगे, अपना प्रैक्टिस होता रहेगा। तो इसी के मारे दोपहर में हम सोते नहीं हैं। तो अभी हम जाएंगे किचन में जाके बनाएंगे चाय, एक कप चाय, हस्बैंड तो नहीं है घर पे, दुकान पे है, तो हमारे लिए बनाएंगे चाय। और बाबू को खिला दिया है, उसे हम चाय नहीं देते हैं, बिल्कुल चाय नहीं देते हैं। वो चाय पीने के लिए कहता है मम्मी चाय दे दो, लेकिन हम चाय उसे बिल्कुल चाय नहीं देते, उसे देते हैं हॉर्लिक्स, तो उसके लिए हॉर्लिक्स बनाएंगे और हमारे लिए बनाएंगे चाय। तो चलिए इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है वो हम एंड करते हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।